हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है? सब कुछ ठीक? ऑडियो वीडियो दिख रहा है? लाइव आया कि नहीं आया? मैं हेलो गाइस, कौन कौन आया है? चलो आ जाओ जल्दी जल्दी। शिफा, क्या बात है शिफा, जल्दी आ गए आज? कल्याणी, तनिष्का, कोमल, सूरज, ऐश्वर्या, आकाश, पूजा, अलमास, आरती, मोटिवेटर ऑफ इंडिया, हेलो हेलो, पाकिजा, प्रतीक्षा, प्राप्ति, हेलो हेलो हेलो। आवाज वीडियो सब कुछ क्लियर? चलो आ जाओ मेरे प्यारे बैंगनों, जल्दी 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 आ जाओ। आज जो है ये चैप्टर अपन खत्म करने वाले हैं, ठीक है? फिनिश करेंगे इसको, सीधा फिनिश, ठीक है? बाय बाय टाटा, खत्म करेंगे इसको आज। और फिर मैं इसका नोट जो है वो टेलीग्राम चैनल पे जो है दे दूंगा, और डीपीपी भी आज दे दूंगा, पॉसिबल हुआ तो आज रात तक जो है डीपीपी दे दूंगा, और कल इसका मॉक रखेंगे अपन, ठीक है? अभी तुम लोग बता देना मेरे को कि इसकी एक मॉक रखनी है दो, तो चैप्टर तो बहुत इजी है, तो मैं सोच रहा था कि एक ही मॉक रखूं, तो बाकी तुम बोल सकते हो कि क्या करना है, ठीक है? सो शुरू कर दे आज के सेशन के लिए, ठीक है? यस यस, चलो आ जाओ जल्दी 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 आ जाओ, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, ठीक है? सो एक ही मॉक रखते हैं, तो बोलो एक मॉक रखना है या दो मॉक रखना है, और आप जो है मेरे साथ जुड़ सकते हैं यहाँ पे यूट्यूब पे, तो आप ऑलरेडी जुड़ चुके हो। सो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो। ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, शुभम मोड़े 88, एंड शुभम मोड़े 88 करके जो है आप मुझे इंस्टा पे भी मेरे पर्सनल हैंडल पे जो है वो फॉलो कर सकते हो। साथ ही में मेरा बायो कट्टा का, बायो का एक अलग चैनल है इंस्टा पे, @BioKatta सर्च करके वहां से भी जुड़ सकते हो, एंड फेसबुक पे भी जो है मुझे आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है? तो ये सारे मीडियम से आप मुझसे जुड़ सकते हो, आपको कंटेंट ही कंटेंट जो है वो सब तरफ मिल जाएगा, ठीक है? एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है डॉक्टर शुभम मोड़े या @BioKatta, ठीक है? ये सर्च करके जो है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आज मैं इसके अभी ये जो पूरे नोट्स है, जो मेरे खुद के नोट्स है, ठीक है, ये मैं इसी चैनल पे भेजूंगा, टेलीग्राम चैनल पे। साथ ही में मैं डीपीपी, ठीक है, प्रैक्टिस क्विज जो है वो भी मैं यहाँ पे भेजूंगा, जो हम कल डिस्कस करने वाले हैं इसी चैनल पे, ठीक है? एंड मॉक टेस्ट जो होता है वो अनअकेडमी पे होता है, तो अनअकेडमी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो आपको जो है वो अनअकेडमी पे मुझे जाके फॉलो करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाके फॉलो करो, ठीक है? इसके ऊपर जो है वो मॉक हम ले लेंगे कल, और साथ ही में डेली क्लासेस भी होती है 2021 2022 वाले के लिए, बहुत सारा मजा करते हैं हम, तो फॉलो कर लेना, ठीक है? साथ ही में अभी मैं बता देता हूँ कि आज जो है 7:30 8 बजे के दौरान जो है वो नया कुछ तो भी आने वाला है मेरे दूसरे चैनल पे, ठीक है? जिस चैनल का नाम है ई कट्टा, ठीक है? ई कट्टा, उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, तो आप ई कट्टा पे जाके जो है मुझे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि तुम्हारे लिए जो है तुम लोगों के साथ पार्टिसिपेट करके आज एक नया वीडियो जो है वो ई कट्टा पे आने वाला है, ठीक है? तो ई कट्टा जाके सब्सक्राइब कर लो, और आज जो है तुमको बहुत ही मजेदार सेशन जो है वो देखने को मिलेगा, और बहुत मजा आएगा, जिसका नाम है, नए सीरीज का नाम है, दैट इज एज द स्ट्रेस, और जिसमें मैं आप जैसे पार्टिसिपेंट के साथ जो है बहुत सारी गपशप करता हूँ, बहुत सारी बातें और फन करता हूँ, तो आप जो है वो आज देख सकते हैं वो एपिसोड, ठीक है? आज पक्का रिलीज हो जाएगा, ओके? कल होने वाला था लेकिन कल टेक्निकल डिफिकल्टीज आ गए तो कल नहीं हुआ, लेकिन आज पक्का जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। आज जो है हम स्टार्ट करते हैं विद द डाइवर्सिटी। कल हमने जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग जो है पूरे पढ़ लिए थे। सो नाउ आज जो है हम भैया स्टार्ट करते हैं, दैट इज द डाइवर्सिटी। देखो जैसा कि हमने कल देखा कि हमको बेसिक डिफरेंस अभी मालूम हो गया कि व्हाट इज लिविंग एंड नॉट लिविंग, इनमें हमको एक बेसिक डिफरेंस हमको पता चल गया है, ठीक है? सो अभी देखा जाए तो तरह तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ ह्यूमन तो नहीं है, ठीक है, हम तो नहीं है राज करने वाले, तरह तरह के जो है वो यहाँ पे अपने को जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, ठीक है? कीड़े मकोड़े, पकोड़े, पकोड़े नहीं लेकिन कीड़े मकोड़े, या फिर हम ले लो, या पंछी ले लो, जानवर ले लो, ठीक है, बहुत सारे जो है टाइप टाइप के जो है हमको देखने को मिलते हैं। सो बहुत सारी वैरायटी जो है हमें देखने को मिलती है, डिपेंड अपॉन देयर कंटेंट, कॉन्टिनेंट, ठीक है, किस जमीन पे वो रहते हैं, वो हवा में रहते हैं या पानी में रहते हैं, वो या फिर वो जमीन पे रहते हैं, ठीक है? सो उसके हिसाब से जो है उनमें तरह तरह की डाइवर्सिटी जो है हमको देखने को मिलती है, ठीक है? सो वो जो है डाइवर्सिटी सेक्शन जो है हम देखने वाले। सो बायोडाइवर्सिटी, उसी को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या, सिंपल से अगर बात करूं, सो द नंबर, एक बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू, देखो बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू नंबर एंड द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, ठीक है? कितने नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। सो नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, दैट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है? सो वो मॉर्फोलॉजी में अलग हो सकते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या, बाहर का स्ट्रक्चर। अभी हमको देखो, दो हाथ है, दो पैर है, ठीक है, एक मुंह है,
और ये भी एक मुंह है जो हम गलत जगह पे बहुत बार यूज करते हैं और पछताते हैं फिर बाद में, सिंपल सी बात है। ठीक है, अलग अलग साइजेस होती है, अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग एनाटॉमी होती है, हैबिटेट्स होते हैं, हैबिट होते हैं, तो बहुत सारे जो है वो डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो इसी को हम क्या कहते हैं, बायोडायवर्सिटी, द नंबर एंड द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ठीक है, ये सारे अभी एमसीक्यू पॉइंट देखो। ठीक है, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है, लगभग देखी जाती है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज जो है हमको देखने को मिलती है। सिंपल सी बात है, आई एम फाइन गाइज, आई एम फाइन, ओके। एंड एनिमल्स की देखा जाए तो देर आर 1.22.5 मिलियन स्पीसीज देखी जाती है। इंसेक्ट्स की देखा जाए तो 1.025 मिलियन स्पीसीज जो है हमें पाई जाती है पूरे अर्थ के ऊपर, और प्लांट जो है लगभग 0.5 मिलियन स्पीसीज जो है प्लांट की पाई जाती है। तो ये एक नंबर है एमसीक्यू, मोस्टली 1.7 to 1.8 मिलियन, दैट इज नंबर ऑफ स्पीसीज कितने टोटली प्रेजेंट है उसके ऊपर पूछा जाता है। तो उसमें से एनिमल्स, इंसेक्ट, प्लांट जो है आप अलग अलग नंबर जो है वो ले सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टर्म सिस्टमैटिक्स। ठीक है, अभी इसके लिए मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग कहानी या इंटरेस्टिंग मोड में जाऊंगा। ठीक है, अभी सपोज ये मैं हूं, ये काली काली आंखें, तुरुरु तुरुरु, ये गोले गोले का। ठीक है, ये मैं हूं, ठीक है। अभी मैं जो है वो सपोज जो है वो जंगल में गया। ठीक है, मेरे को बहुत घूमने का शौक है, मैं ब्लॉग बनाता रहता हूँ। ठीक है, तो मेरे को घूमने का शौक है और मैं अभी जंगल में गया। सिंपल सी बात है, अभी मैं जंगल में गया। ठीक है, अभी मैं जंगल में गया तो यहाँ पे जो है वो अभी क्या होगा, मैं चल रहा था, मैं व्लॉग शूटिंग कर रहा था। ये देखो, हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय ब्लॉग। ठीक है, ये मेरा हाथ में कैमरा है, कैमरा थोड़ा, ठीक है। ये मैं शूट कर रहा था, हे गाइस व्हाट आर यू डूइंग, ये मेरे हाथ में कैमरा है। ठीक है, तभी क्या हो गया कि मैं सेल्फी ले रहा था इसी मेरी। ठीक है, तो पीछे क्या हो गया, एक अजीब सा जानवर आ गया। ठीक है, अजीब सा जानवर आ गया। ठीक है, तो वो कुछ दिखने में ऐसा था, ठीक है, अजीब सा जानवर ही है। ठीक है, ऐसे उसके पंख बिंग थे, मतलब वो अलग ही, मतलब कुछ अलग ही स्वैग में जो है वो दिख रहा था मेरे को। ठीक है, अभी क्या हो गया, अभी मैं देख के डर गया, भूत, ये एलियन भूत, ऐसा मैं करने लगा, बकरी जैसा डर गया। लेकिन तभी मेरे अंदर जो है वो टीचर जाग गया, मतलब बायोलॉजी चौंक गया कि यहाँ पे मेरे पास मौका है, यहाँ पे मेरे पास मौका है कि मैं नोबेल पारितोषिक जो है वो जीत सकता हूँ, नोबेल प्राइज जो है वो जीत सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास मौका है। तो ये बायोलॉजिस्ट मेरे अंदर जाग गए। तो अभी देखो, सबसे पहले अगर मैं कोई नया, अभी ये जो ये देख रहा हूं मैं एनिमल, तो मैं अभी क्या करूंगा, सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करूंगा दूर से, कैमरा के जरिए मैं छुप जाऊंगा थोड़ा सा, कि काट ना ले, खा ना ले, मतलब सारा बायोलॉजी बाहर निकल से, मेरा पूरा बायोलॉजी बाहर निकलने से पहले ये मेरा एनाटॉमी पूरा बाहर निकाले। तो इसलिए मैं थोड़ा ट्री के पीछे थोड़ा छुप जाता हूँ और फिर जो है वो देखता हूँ वहां पे कि भैया ये दिखने में नीम का मतलब कैसा दिखता है। ठीक है, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि भैया इसके चार पैर है। ठीक है, चार पैर, एक तो ये मल्टीसेलुलर एनिमल है, मल्टीसेलुलर एनिमल है, आंखें हैं, चार पैर है। यहाँ पे मेरे को जो है वो थोड़ी बहुत यहाँ पे देखने को मिली, मेमोरी ग्लैंड्स भी देखने को मिली। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसके कैरेक्टर जो है वो ऑब्जर्व करना चालू कर दिया। ठीक है, कैरेक्टर जो है मैंने इसके ऑब्जर्व करना चालू किया कि चार पैर है, पंख भी है थोड़े थोड़े, तो ये थोड़ा सा इवॉल्व हुआ है, इसकी पूंछ भी आई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो उसकी पूंछ भी आई है, थोड़ा सा चोच जो है वो बीक का है। ठीक है, तो अभी
अभी मैंने इसके कैरेक्टरिस्टिक इसको दे दिया, तो कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से मैंने इसको जो है वो जो अभी अवेलेबल एनिमल्स है उसमें जो है इसको क्लासिफाई करना चालू कर दिया। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा बर्ड जैसा है लेकिन इसकी मेमोरी ग्लैंड्स भी है और ये जो है वो मैमल जैसा भी है, तो इसको जो है मैं अभी एनिमल्स में डालूंगा। सबसे पहले ये तो प्लांट नहीं है, ये एनिमल है। ठीक है, और एनिमल है तो मैं इसको एनिमल में डालूंगा। 13 फाइलम हमारे पास मौजूद होते हैं, तो पोरिफेरा निडारिया, उसके हिसाब से मैंने जो है इसको वर्टिब्रेटा में डाला क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम मेरे को थोड़ा सा दिख रहा है, मैमल दिख रहा है, तो इसको मैंने मैमरी ग्लैंड में डाल लिया। तो मैंने क्या कर दिया, फिर क्लासिफिकेशन कर दिया। ठीक है, आइडेंटिफाई किया सबसे पहले कि भैया ये जानवर है, एनिमल है। फिर मैंने जो है इसको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद मैंने इसको आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद ठीक है, अभी एक एक स्टेप देख लो। सबसे पहले मैंने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक्स इसको दिए कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, क्या क्या कैरेक्टर्स है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे अभी मैं क्लासिफाई कर रहा हूँ उसको। ठीक है, फिर मैंने जो है वो उसको क्लासिफाई कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, तो अभी इसको मैं क्लासिफाई कर रहा हूँ कि भैया मैमल्स में आएगा, इसमें आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अभी अभी मेरे को ये पता चला कि क्लासिफाई तो मैंने मैमल में कर दिया लेकिन मैमल में ऐसी कोई भी स्पेसीज जो है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मैमल में ऐसी कोई भी स्पेसीज जो है वो अवेलेबल ही नहीं है, तो मेरे को अभी मेरे मन में लड्डू फूटा। सिंपल सी बात है, मेरे मन में लड्डू फूटा कि भाई अभी तो मेरे को नोबेल प्राइज पक्का है कि मैंने नए स्पीसीज की जो है वो खोज कर लिया। ठीक है, मैंने नए स्पीसीज की जो है खोज कर लिया। अभी मैं क्या करूंगा, इसको नाम देना पड़ेगा ना कुछ तो भी, तो बताओ तुम बताओ क्या नाम दोगे, तुम्हारे पास नाम होता है ना कुछ तो भी, नाम दो। अभी नाम बताओ क्या दोगे इसको, क्या नाम आएगा। देखो नाम तो हम क्या देते हैं, नाम क्या, अभी यहाँ पे हमारे पास रूल्स होते हैं तो हम बायनोमियल नॉमिनेचर फॉलो करेंगे, वो हम आगे दिखने वाले कि हमको क्या जो है वो करना है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, अभी नॉमेनक्लेचर नाम देना पड़ेगा कुछ तो भी। ठीक है, तो अभी क्या कर लेते हैं हम, ठीक है अभी नॉमेनक्लेचर करेंगे और फिर जो है हम उसको जो है नाम कर देंगे और उसको जो है वो रख देंगे बाजू में। ठीक है, तो ये जो पूरी स्टडी है, ठीक है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स देना किसी भी नई स्पेसीज को, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको क्लासिफाई करना, उसको नॉमेनक्लेचर करना, ये सारी जो स्टडी है इसको नामकरण करने वाले हैं हम। ठीक है, इसको नामकरण करने वाले हैं, लेकिन कब नामकरण करेंगे, जब हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के हम रूल फॉलो करेंगे। तो अभी चलते हैं, अभी ये जो पूरा स्टडी किया ना हमने, क्या क्या स्टडी किया हमने कि भैया ये जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी मतलब क्या, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देना, ठीक है, फिर उसको क्लासिफाई करना किसी भी चीज को, उसको नॉमेनक्लेचर देना और उसकी जो है टर्मिनोलॉजी और उसको हिसाब से जो है उसको क्लासिफाई करना, ये जो सारे आते हैं ना, डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, इस सबको हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स। ठीक है, तो सिस्टिमा मीन्स क्या होता है, सिस्टिमा मीन्स ऑर्डर और सीक्वेंस। ठीक है, ऑर्डर और सीक्वेंस मतलब कोई भी नई स्पीसीज आती है जिसमें हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स। तो साइंस डील्स विद ऑर्गेनिज्म एंड देयर कंपेरेटिव इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। गाइस ये एमसीक्यू तुमको बता देता हूं मैं, 80% लोग जो है वो गलत करते हैं। ठीक है, 80% लोग ये एमसीक्यू गलत करते हैं। जब भी ये एमसीक्यू पूछा जाता है, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट है उससे पूछ लेना नीट 2020 वाले के, कि जब भी सिस्टमैटिक्स का एमसीक्यू आता है उसमें ये वाला जो होता है वो ऑप्शन होता है। ठीक है, कि सिस्टमैटिक्स मीन्स ऐसा एमसीक्यू होता है, कि सिस्टमैटिक्स रेफर्स टू, ऐसा एमसीक्यू होता है, और उसमें ये एक ऑप्शन में ये चारों ऑप्शन दिए होते हैं और दूसरे ऑप्शन में दिया होता है साइंस दैट डील्स विथ ऑर्गेनिज्म एंड देयर कंपेरेटिव इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप गाइस। ठीक है, तो बच्चे मोस्टली क्या कर देते हैं, बच्चों को क्या लगता है कि डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये लगता है कि हाँ चलो ये सिस्टमैटिक्स से कंफर्म इसका आंसर है। नहीं, वहां पे तुमको सिस्टमैटिक्स में क्या आता है ये नहीं पूछा गया है। सिस्टमैटिक रेफर्स टू, सिस्टमैटिक का रेफरेंस क्या है, सिस्टमैटिक मतलब क्या, तो इट इज अ साइंस दैट डील्स विथ ठीक है ऑर्गेनिज्म एंड देयर कंपेरेटिव इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। ठीक है, एंड देयर कंपेरेटिव इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब ऑर्गेनिज्म के साथ जो, और ये क्या करता है, ऑर्गेनिज्म की स्टडी करता है, साइंस करता है, और उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप लगाता है। जैसे कि मैंने अभी ये जो मेरा नया स्पीसीज है जो आज इन्वेंट हुआ है, ठीक है, इसका मैंने रिलेशनशिप लगाया कि भैया ये बर्ड्स और मैमल की फॉर्मेशन से हुआ है, मतलब कुछ तो भी गलत हुआ होगा कहीं तो भी,
तो जिसके कारण ये बर्ड्स और मैमल्स में जो है वो ये मिक्सचर आ गया है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले हम देखते हैं टैक्सोनॉमी, ठीक है। टैक्सोनॉमी मतलब क्या, यहां पे देखो टैक्सोनॉमी, इट इज अ स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। इट इज अ स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब देखो टैक्सोनॉमी स्टडी, स्टडी किसकी स्टडी, आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर्स की स्टडी, क्लासिफिकेशन की स्टडी, नॉमेनक्लेचर की स्टडी, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज रिफर्स टू टैक्सोनॉमी। एंड टैक्सोनॉमी इज अ पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक्स, ठीक है। टैक्सोनॉमी इज अ पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक्स, मतलब एक सिस्टमैटिक्स है, सिस्टमैटिक्स में सबसे पहले टैक्सोनॉमी आता है, मतलब स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। शुरुआत कहां से हुई थी टैक्सोनॉमी की, ओरिजिनेटेड विद द प्लाटो, देन एरिस्टोटल इसका जो है वो काम आगे बढ़ा है। एरिस्टोटल, एरिस्टोटल इज अ फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है। जूलॉजी में काफी महत्वपूर्ण स्थान जो है वो एरिस्टोटल को दिया जाता है। देन थियोफास्टस, ही इज अ फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। यहाँ पे देखो दो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ पे कवर हो रहे हैं, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, थियोफास्टर फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है, लिनायस एंड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है वो कार्लस लिनायस को कहा जाता है, ठीक है। कार्लस लिनायस को जो है वो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है वो कहा जाता है। अभी मैं तुमसे पूछता हूँ, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। सो ये देखने को मिला तो मुझे बताओ अभी, फादर ऑफ जेनेटिक्स, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, मेंडेल, ठीक है, बहुत गुड वेरी गुड। तो अभी टैक्सोनॉमी किसके ऊपर डिपेंड होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है गाइस, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है, डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, कि अंदर से कैसा है एनिमल, बाहर से कैसा है, इसकी सेल कैसे बनी हुई है, ये डेवलप, इसकी डेवलपमेंट कैसी हुई है, और ये इकोलॉजी से कैसे रिलेटेड है, ये इन्वायरमेंट में क्या रोल प्ले करता है, इसके ऊपर जो है वो टैक्सोनॉमी मोस्टली डिपेंड होती है, ठीक है। चलिए, सो नाउ टैक्सोनॉमी देखे, हमने देखा कि क्या क्या आता है, देखो बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे ये स्लाइड है, ओके। सबसे पहले आता है कैरेक्टराइजेशन, जैसे कि मैंने दिया था कि भैया मैंने बोला था मेरे जो नया स्पीशीज फाइंड आउट किया मैंने, उसके क्या है, उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको मेमोरी ग्लैंड्स भी है, उसको पंख भी है, उसकी चोंच भी है, थोड़ा बहुत मुंह जो है वो बर्ड जैसा है, ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस, इट कम्स अंडर कैरेक्टराइजेशन। फिर हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि मैंने नए स्पीसीज को मेरे आइडेंटिफाई किया, करेक्ट डिस्क्रिप्शन के अनुसार मैंने उसको जो है वो आइडेंटिफाई किया, और इसका जो है कोई ऐसा ऑलरेडी एक एनिमल प्रेजेंट है क्या नहीं, ये जो है वो मैंने रिलेशन लगाया। फिर मैंने उसको जो है वो क्लासिफाई किया डिफरेंट ग्रुप्स में, मैमल्स में जैसे मैंने उसको क्लासिफाई किया डिपेंड अपॉन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, उसकी मैमल्स के साथ सिमिलैरिटीज थी, उसकी प्लांट्स के साथ डिफरेंसेस थी, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैंने उसको मैमल्स में डाल दिया, ठीक है। और फिर नॉमेनक्लेचर, ठीक है, नॉमेनक्लेचर मतलब सिंपल सी बात है, साइंटिफिक नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, साइंटिफिक नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो अभी अभी आते हैं यहाँ पे हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में, ठीक है। अभी क्लासिफाई करना है, अभी हमको मालूम तो हो गया, ठीक है, मालूम तो हो गया कि हमको कैरेक्टराइज पता चल गया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अभी क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हम करते हैं, ठीक है। अभी सपोज मेरा ही एग्जांपल ले लो, या कोई एक एक्स वाई जेड बंदा है जो इंडिया में रहता है, या एक्स वाई जेड लड़की है, ठीक है, ये एक्स वाई जेड लड़की है जो इंडिया में रहती है, ठीक है, जो इंडिया में रहती है, देखो एकदम काले काले बाल है। अभी क्या हो गया, अभी सपोज ये इंडिया के बाहर जाती है, ठीक है, ये इंडिया के बाहर जाती है, इसका जॉब लग जाता है गूगल या किधर से भी, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले क्या पूछते हैं, इसको हम सबसे पहले पूछते हैं सिंपल सी बात कि भैया अगर वो इंडिया के बाहर जाती है, ठीक है, तो वो गोरे लोगों से मैच तो नहीं करेगी, गेहुआ रंग है उसका, ठीक है, ब्राउन कुड़ी है, तो लूदर के लोग तुमसे पूछेंगे वेर आर यू फ्रॉम, क्योंकि लोगों को लगेगा पक्की ये यूएसए से तो नहीं है, ठीक है, यूएसए से तो नहीं है, एक तो ये पाकिस्तानी हो सकती है, बांग्लादेशी हो सकती है, इंडियन हो सकती है, ठीक है। सो सबसे पहले वो अपना क्या बताएगी, बाहर जाने के बाद सबसे पहले वो अपना कंट्री बताएगी, ठीक है, सबसे पहले वो अपना कंट्री बताएगी, कंट्री क्या है, इंडिया,
ठीक है, इंडिया, अभी 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 वो इंडिया में वापस आ गया। अभी वो क्या किया, इंडिया में अगर वो वापस आ जाती है तो अभी इंडिया में जो है वो अभी डिफरेंट डिफरेंट 28 स्टेट्स हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो अभी लोग क्या बोलेंगे इंडिया में आने के बाद कि बेटा कि तुम्हारा स्टेट कौन सा है। अगर वो दिल्ली में गई, लेकिन दिल्ली में लोग बोलेंगे ये दिल्ली की तो नहीं लगती, इसके भाषा और एकदम इसका बिहेवियर से, तो उसको उसका क्या पूछेंगे, वो स्टेट पूछेंगे, ठीक है। अभी इसने स्टेट बता दिया, सपोज महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट जो है उसने बता दिया, सिंपल सी बात है। अभी अभी वो सपोज महाराष्ट्र में आ गई, अभी महाराष्ट्र में आ गई तो लोग उसको क्या पूछेंगे कि अभी महाराष्ट्र में तो अलग अलग रीजन है, मराठवाड़ा ले लो, विदर्भ ले लो, ठीक है, या उसको उसका शहर पूछ लेंगे, पुणे, मुंबई जो है, औरंगाबाद, तो वो बोलेगी, अभी उसको क्या पूछेंगे, सिटी, वो बोलेगी पुणे, ठीक है, वो बोलेगी पुणे। फिर पुणे में आने के बाद उसको उसका गांव पूछेंगे कि पुणे में गांव में रहती है या कहाँ पे रहती है, तो पुणे में अपना वो क्या बताएगी, फिर विलेज बताएगी, एक्स वाई जेड विलेज। विलेज में आने के बाद उसको जो है उसका गली, गली का पता पूछेंगे, गली कौन सी है या एरिया कौन सा है। एरिया में आने के बाद उसको उसका हाउस नंबर पूछेंगे। अभी ज्यादा ज्यादा तेज मत हो, मैं लड़की का पता बीता नहीं दे रहा तुम, ठीक है, ज्यादा लड़की का पता बीता नहीं दे रहा। और फिर हाउस में आने के बाद उसको उसका सरनेम पूछेंगे, सरनेम के बाद उसको उसका खुद का नाम पूछेंगे, ठीक है, फिर सरनेम, घर किसके नाम से है, और फिर उसको खुद का नेम। तो ये क्या है, ये एक सिक्वेंस है जिसके हिसाब से हमने क्या किया, इस लड़की को जो है वो क्लासिफाई कर दिया, इसको जो है वो हमने सिस्टमेटिकली अरेंज कर दिया, इसका जो है ओरिजिन जो है हमने बता दिया, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, हिरार्ची। हिरार्ची मतलब क्या, एक सीक्वेंस असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो हम किसी को भी क्लासिफाई करने के लिए यूज करते हैं। तो सिमिलरली बायोलॉजी में भी या सिस्टमैटिक्स में भी जो है एक टर्म होता है, एक सीक्वेंस होता है जिसके अकॉर्डिंगली हम किसी भी नए स्पीसीज को जो है वो क्या करते हैं, हम जो है वो क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले देखो अपने को आता है किंगडम, फिर आता है फाइलम, फिर आता है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, ठीक है, फिर हमको यहाँ पे देखने को मिलता है फाइलम, एक है ऑर्डर, फिर उसके बाद फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ठीक है। तो अभी इसको याद में कैसे रखना है, सिंपल सी ट्रिक है मेरे पास, किंग प्ले चेस ऑन फाइन ग्लास शीट्स, ठीक है। सो किंग प्ले चेस ऑन फाइन ग्लास शीट्स, किंग यहां से के से क्या आ जाएगा बोलो, सिंपल सी बात है, किंगडम, ठीक है, यहां पे प्ले से क्या आ जाएगा, फाइलम, सिंपल सी बात है, ठीक है, फाइलम में आ जाएगा या फिर यहाँ पे डिवीजन आ जाएगा। फाइलम होता है एनिमल्स में, डिवीजन होता है प्लांट्स में, ठीक है। फिर चेस से यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लास, ऑन से आ जाएगा ऑर्डर, फाइन से आ जाएगा फैमिली, ग्लास से आ जाएगा जीनस एंड शीट से आ जाएगा स्पीसीज, ठीक है। सो किंग प्ले क्लास, ठीक है, किंग प्ले चेस ऑन, सिंपल सी बात है, फाइन ग्लास शीट्स, इसको तुम याद रखोगे तो तुमको ये सीक्वेंस याद रह जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, देखो गाइस सबसे ऊपर कौन बैठा है, ठीक है, किसी भी आप किसी भी अगर पुरातन काल में जाओगे तो वहां पे क्या कहते हैं, रजवाड़े हुआ करते थे, किंगडम हुआ करते थे। किंगडम के बाद जो है फिर वहां पे जो है वो अलग अलग जो है वो गांव हुआ करते थे जिसमें वो किंगडम में बसते थे। सो सबसे पहला यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर पे कौन आता है, ठीक है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे चीज कौन सी इंपॉर्टेंट होती है, हमारा देश, ठीक है, जिंदगी में सबसे बड़ी चीज हमारे लिए, अगर हम देश के लिए अपने कुछ करते हैं तो अपन समझते हैं कि हमारी जिंदगी जो है वो सफल हो गई। जैसे ओलंपिक प्लेयर्स ले लो, ओलंपिक मेडल ले आते तो देश के लिए जो है बढ़ जाता है, हमारे सोल्जर्स ले लो, ठीक है, देश के लिए अपनी जान दे देते हैं तो उनकी लाइफ जो है वो सफल हो जाती है। डॉक्टर्स ले लो, फ्रंटलाइन वर्कर्स ले लो, जो अभी तुम बनने वाले हो, फ्यूचर बनने वाले हो इंडिया का, तुम में से कई लोग जो है वो कोरोना की दवाई बनाएंगे,
ठीक है, अलग अलग डिसीजन से लड़ेंगे, दिन रात सेवा करेंगे, तो देश की हेल्थ बढ़ा रहे हो तुम, हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हो, ठीक है, देश में कुछ कर रहे हो तो देश का जो है क्या करते हो तुम, प्राइड बनाते हो, तो अपनी जिंदगी सफल हो जाती है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा हाईएस्ट कौन होता है, हमारा देश होता है। सिमिलरली यहाँ पे हाईएस्ट सबसे ऊंचा कौन होता है, हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम, ठीक है। अभी ये जो पूरा इसको क्या बोलेंगे अपन, टैक्सोनॉमी घिरा चाहिए, इसको हम क्या करें, टैक्सोनॉमी जो है इसको लिए क्लासिफाई कर लिए, यूज कर लिए। यहाँ पे हर एक जो होता है ना, हर एक ग्रुप, किंगडम ले लो, फाइलम ले लो, ठीक है, या फिर क्लास ले लो, ऑर्डर ले लो, फैमिली ले लो, ये क्या करता है, एक सेपरेट टैक्सा बिलोंग करता है। टैक्सा माने की क्या, टैक्सा माने की ग्रुप, ठीक है, टैक्सा माने की ग्रुप, ये एक सेपरेट जो है वो टैक्सा ग्रुप अप करता है। किंगडम एक टैक्सा है, ठीक है, फाइलम एक टैक्सा है, क्लास एक टैक्सा है, ऑर्डर एक फाइल है, ठीक है। तो ये एक-एक सेपरेट टैक्सा जो है वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो हाईएस्ट कैटेगरी सबसे लोएस्ट कौन सी आ जाएगी, ये दोनों एमसीक्यू पॉइंट है, ठीक है, सबसे लोएस्ट आ जाएगी यहाँ पे स्पीसीज। ठीक है, लोएस्ट कैटेगरी, बीच में के बीच में जो आ जाएंगे, ठीक है। अभी हाईएस्ट कैटेगरी है तो भाई किंगडम में देखो सारे राज्य आता है, पूरा जो है वो पूरा बहुत सारे गांव आ जाते हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक पूरा गुच्छा होता है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कॉमन के, अलग अलग डिफरेंट ओरिजिन का जो है वो एक गुच्छा होता है। जैसे कि इंडिया ले लो, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट विलेजेस, डिफरेंट सिटी का एक क्या है, मिक्सचर है, तो बहुत सारी जो है वैरायटी उसमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप स्पीसीज ले लेते हो, ठीक है, स्पीसीज ले लेते हो, दैट इज अ बेसिक यूनिट। यहाँ पे बेसिक स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्पीसीज से हो रहा है। तो स्पीसीज क्या है, यहाँ पे बेसिक यूनिट जो है, बेसिक बेसिक मतलब क्या, इसके ऊपर जो है वो आगे का जो है बंधा, मतलब अगर हम घर बांध रहे हैं, हम नया घर जो है हम बांध रहे हैं, तो नीचे जो है हम बेसमेंट लगाते हैं। बेसमेंट अगर पक्का हो, बेसमेंट अगर अच्छा हो, तो घर जो है वो सालों तक जो है वो टिका रहता है। सो दैट्स व्हाई स्पीसीज यहाँ पे क्या है, बेसिक कैटेगरी है। इसके अनुसार ही आगे जो है वो ऑर्डर में जो है वो क्या हो जाएगा, क्लासीफाई हो जाएगा। तो बेसिक स्पीसीज, फिर हम ऊपर 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 चले जाएंगे, ठीक है, ऊपर 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 चले जाएंगे। और जैसे जैसे ऊपर आ जाएंगे, देखो अभी सबसे पहले हमने समझ लिया मेरा घर ले लिया, फिर मेरा जो है अपार्टमेंट ले लेंगे, तो अभी मेरे घर में सिर्फ मैं रहता था, फिर अभी अपार्टमेंट आ गया, अपार्टमेंट के लोग आ गए, फिर मेरा गांव ले लिया, ठीक है। तो अलग अलग वैरायटी जो है यहाँ पे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक से हो जाते हैं, कम जाते हैं, जैसे जैसे हम हायर ऑर्डर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हम स्पीसीज स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, ठीक है गाइस, तो यहाँ पे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज, ठीक है, और इसके वाइस वर्सा, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, और इसके वाइस वर्सा, सिंपल सी बात है। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है, जैसे कि मैंने कहा था किंगडम, इसमें जो है वो क्या होते हैं, बहुत सारे फाइला जो है इंक्लूड होते हैं। तो ये देखो सिंपल सी बात है, किंगडम एक किंगडम इज अ ग्रुप ऑफ फाइलम, ठीक है, किंगडम इज अ ग्रुप ऑफ फाइलम, फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ क्लास, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ फैमिली, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ जीनस, जीनस इज अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज, सिंपल सी बात, यही यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइलम में देखो क्या क्या आ जाएगा, स्पीसीज एम्फीबिया रेप्टेलिया बिलोंग टू द वन फाइलम दैट इज कॉर्डेटा, ठीक है, क्लास का मिक्सचर है। क्लास में क्या आ जाएंगे, ऑर्डर्स आ जाएंगे, प्राइमेटा, कार्निवोरा, ठीक है, जो एक ही क्लास में आते हैं मैमेलिया। ऑर्डर में क्या आ जाएंगे, फैमिलीज आ जाएंगे। तो बड़ा वाला जो है वो नीचे का मिक्सचर होता है, हमेशा ध्यान में रखना। किंगडम इज अ ग्रुप ऑफ फाइलम, फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ चेस चेस क्लास, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ठीक है, अगर डेफिनेशन आपको पूछी जाती है तो, ठीक है। जैसे पॉलीमोनियल्स यहाँ पे आ रही है, सोलानेसी जो है कौन से ऑर्डर से आती है, पॉलीमोनियल्स, ठीक है, फॉर्मली लाइक कॉन्वोल्यूसी, सोलानेसी जो है वो पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में आती है, यही यहाँ पे बताया गया है। फैमिली में अलग अलग जीनस आते हैं, जैसे कि सोलेनम, पेटोनिया, दतुरा सोलानेसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर एमसीक्यू आते हैं, तो ये ध्यान में रखना है आपको। जीनस में अलग अलग स्पीसीज आ जाएंगे, जैसे पांथेरा, लॉयन के, लॉयन का जो है जीनस होता है, इसमें अलग अलग स्पीसीज आ जाएंगे, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पांथेरा टाइग्रिस, टाइग्रिस मतलब टाइगर, ठीक है। और स्पीसीज ऑल द मेंबर्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, ये हमने बोला था, मैंने बोला था बायोलॉजिकल स्पीसीज की डेफिनेशन किसने दी है, बायोलॉजिकल स्पीसीज की डेफिनेशन किसने दी है, बताओ। मजा आ रहा है ना, तो लाइक करो यार, लाइक करो, लाइक कम है जितने लोग देख रहे उसके हिसाब से, ठीक है। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज, ठीक है, किसने दिया था, अर्नस्ट मेयर, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, उसने क्या बोला था कि भैया व्हाट इज बायोलॉजिकल स्पीसीज,
इट्स अ स्पीसीज, यहाँ पे इट्स ऑल द मेंबर्स इन अ गिवन स्पीसीज दे हैव अ सिमिलर कैरेक्टर्स एंड दे कैन इंटरब्रीड अमंग देयर सेल्व्स, ठीक है, वो इंटरब्रीड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और उनकी जैसी ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं, ठीक है. और अगर यहाँ पे इसमें अलग अलग डिफरेंट ब्रीड्स की स्पीसीज अगर यहाँ पे रिप्रोडक्शन करती है तो उनकी जो प्रोजीनी होगी वो स्टेराइल होगी, जैसे कि हमने म्यूल का देखा था, मुड़े का नहीं म्यूल का, ठीक है. सो मैंजीफेरा इंडिका इज अ स्पीसीज ऑफ इंडिका, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है. नाउ यहाँ पे जो है ये चार्ट एनसीईआरटी का दिया गया है, तो ये चार्ट आपको जो है पूरा तरीके से याद होना चाहिए, इसके ऊपर बहुत एमसीक्यू आते हैं, ठीक है. तो अभी देखो, मैन है, बायोलॉजिकल नेम होमो सैपियंस, जीनस इसमें क्या आ जाएगा होमो, फैमिली हुमनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, मैमिलिया, कॉर्डेटा. सिमिलर गोस फॉर हाउस प्लांट मस्का डोमेस्टिका, इसका बायोलॉजिकल नेम है, ठीक है. जीनस मस्का है, फैमिली मस्किडी, ऑर्डर डिप्टेरा, इंसेक्टा, ऑर्थोपोडा, ठीक है. मैंगो मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा, एनाकार्डेसिस, पैपेंडिल्स, डाइक्लोडिनी, एंजियोस्पर्मी, वीट, टिटियम, एस्टिवम, टिटिकम, पोएसी, पोएस, मोनोकॉर्डिनी, एंजियोस्पर्मी, ठीक है. ये चार्ट याद कर लेना, पूरा चार्ट तुमको ये याद होना चाहिए. अगर एमसीक्यू आता है स्पीसीज जीनस फैमिली ऑर्डर में से तो इसी के ऊपर आएगा, इसके बाहर एमसीक्यू नहीं आता है गाइस. इसी के ऊपर मैच द पेयर वाला क्वेश्चन आता है, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा. तो ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, इसको रिवाइज करो दो बार, तीन बार, चार बार. आप अगर आपके आंखों नीचे, आंखों के नीचे से डालोगे ना, तो ये आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है. सो नाउ लेट्स सी टुवर्ड्स द बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है. तो इसमें जो है हम स्पीसीज को नाम देते हैं, हमको हमारे मेरे नए एनिमल को नाम देना है गाइस, ठीक है. सो द नेम ऑफ द स्पीसीज मेड बाय यूजिंग टू वर्ड्स, जीनस एंड वहां पे स्पीसीज होता है, ठीक है, जीनस नेम एंड स्पीसीज नेम. तो इसमें क्या क्या रूल है, जीनस जो होता है वो कैसा होता है, ऑलवेज कैपिटलाइज, जीनस आर ऑलवेज कैपिटलाइज. मतलब मैंजीफेरा इंडिका में एम जो होगा पहला क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है. देन स्पीसीज इज द सेम जीनस थॉट टू बी क्लोज रिलेटेड, और यहां पे जो शुरू होता है वो क्या होता है, ऑलवेज लोअर केस एंड ऑलवेज फॉलो द जीनस, ठीक है. अभी देखो, मैंजीफेरा इंडिका, यहाँ पे इंडिका इज अ स्पीसीज जिसको हमने स्मॉल लेटर में लिखा, मैंजीफेरा को हमने जीनस है तो इसको हमने कैपिटल लेटर में लिखा, ठीक है. तो यहाँ पे देखो मैंजीफेरा इंडिका, ये ऑब्जर्व कर सकते हो तुम, ठीक है. पैंथेरा लियो देखो ऑब्जर्व कर सकते हो, होमो सैपियंस, ये देखो फाइकस बेंगालिसिस बनियन ट्री, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ओके. नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल, यहाँ पे जो है हमको ये देखने को मिलता है, सिंपल सी बात है, टैक्सोनॉमिकल एड्स, ठीक है. तो अभी इसमें और भी रूल्स होते हैं गाइस, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे जो है वो थ्री मिनिमम थ्री लेटर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 13 लेटर्स होने चाहिए, ठीक है, 3 to 13 लेटर्स. इसी में यहाँ पे अगर हम इसको जो है अगर हम हाथ से लिखते, ये हमें एनसीईआरटी कॉर्नर में बताऊंगा आपको, ठीक है. अगर हम इसको हाथ से लिखते तो इसको हमको अंडरलाइन करना होता है सेपरेटली, एक ही अंडरलाइन करना होता है, ठीक है. अगर हम टाइप कर रहे हैं तो लैटिन में इसको इटैलिक्स में लिखना पड़ता है, ठीक है. तो वो एक बेसिक से रूल है. अगर यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम है तो मैंजीफेरा इंडिका जो है उसके बाद हम साइंटिस्ट का नाम लगाते हैं जैसे कि लीन, ठीक है. तो इन तीनों को हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे और लीन क्या होगा, एब्रीवेटेड फॉर्म में जो है हम साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं जिसने ये स्पीसीज का खोज किया है. तो ये बेसिक से रूल इसमें आ जाते हैं, ठीक है. तो अभी क्या करते हैं हम, मेरे जो खोज है, मेरी जो खोज है उसको हम जो है वो क्लासीफाई करने की सोचते हैं, ठीक है. चलो तुम बन जाओ, अभी तुम जो है वो बायोलॉजिस्ट बन जाओ, टैक्सोनॉमिस्ट बन जाओ, और जो ये मेरी खोज है इसको हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करने का सोचते हैं, ठीक है. तो देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व करो. तो बोलो अभी किंगडम कौन सा आएगा इसका, ठीक है, इसका किंगडम कौन सा आएगा, चलो बताओ, ठीक है. तो सिंपल सी बात है, किंगडम जो है हम सबसे पहले इसका ले लेंगे. देखो अभी किंगडम जो है इसका एनिमिलिया आया जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है. फिर इसके बाद देखो अभी क्या आता है, फाइलम. फाइलम कौन सा आएगा बोलो, फाइलम वर्टिब्रेटा, यस, ठीक है. पोरीफेरा, निडारिया, टिनोफोरा, प्लाटिलमेंथियस, आस्क्लेमेंथियस, एलेडा, अर्थोपोडा, ठीक है. बोलो आगे, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा या कॉर्डेटा, कॉर्डेटा आ जाएगा, सिंपल सी बात. चलिए फिर इसके बाद, यस कॉर्डेटा, वेरी गुड. उसके बाद क्लास, क्लास कौन सा आएगा, अभी क्लास तो तुमको मालूम है,
मैमल्स में आ जाएगा ना, मैमलिया आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ओके चलो नेक्स्ट। ऑर्डर, ऑर्डर छोड़ो अभी, अभी इसके लिए हमको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। ऑर्डर ठीक है, फैमिली आ जाएगी, कौन सी मैमल वाली फैमिली आ जाएगी। ठीक है तो ये अभी जो है वो अभी ये डिफाइन करना बाकी है। ठीक है फिर इसके बाद जीनस एंड स्पीसीज, अभी ये नामकरण करना है, अभी इसका नामकरण करते हैं। अभी जीनस जो है, इसके जीनस को हम डाल देते हैं, किसमें डाले किसमें डाले किसमें डाले किसमें डाले, किस कॉर्डेटा हमें आ जाता है, तो उसको कॉर्डेटा के हिसाब से, या फिर यहाँ पे देखते हैं अपन, ये टाइगर जैसा दे दिख रहा है, चलो इसको हम थोड़ा टाइगर जैसा भी बना देते हैं, अपना ही एनिमल है, थोड़ा वेरिएशन कर सकते हैं टाइगर जैसा एनिमल है। ठीक है तो इसको हम क्या करते हैं, जीनस नाम देते थे पैंथेरा, ठीक है। और यहाँ पे स्पीशीज जो है, अभी स्पीशीज जो है ये बर्डी बर्ड जैसा लग रहा है थोड़ा सा, तो इसको हम नाम दे लेंगे हाफ बर्डी। पैंथेरा हाफ बर्डी ठीक है। और इसमें अभी अभी साइंटिस्ट का एब्रिवेटेड फॉर्म में लगना पड़ेगा। ठीक है तो यहाँ पे बड़ी मिस्टेक कर दी गाइस, मैंने मार्क गए मेरे, 4 मार्क गए। इसको कैसे लिखना था, स्मॉल लेटर में ठीक है, पैंथेरा हाफ बर्डी। एंड यहां पे साइंटिस्ट का नाम एब्रिवेटेड फॉर्म में शुभ, ठीक है शुभ। अभी मैं हाथ से यहां पे इसका जो है नामकरण कर रहा हूं गाइस। चलिए क्या नाम लिखेंगे इसका, ये कैपिटल में पैंथेरा। फिर से ये क्या कैपिटल निकाल रहा हूं मैं पागल जैसा। हाफ बर्डी शुभ ठीक है। अभी मैं हाथ हाथ से लिख रहा हूं, तो इसको अंडरलाइन करूंगा मैं अलग अलग। ठीक है तीनों को अंडरलाइन कर दिया मैंने अलग अलग। ठीक है तो ये हो गया हमारा बायनोमिकल नॉमिनिक्लेचर, पांथेरा हाफ बर्टी शू। ठीक है सो गाइस, अगर मुझे नोबेल प्राइज मिल जाता है तो मैं पंतप्रधान मोदी जी से, गृह मंत्री जो है हमारे अमित शाह जी, उन सबसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने इंडिया में पुणे में घर बैठे बैठे एक नई प्रजाति का जो है खोज की है, तो मेरे इस टैलेंट की कदर करते हुए मुझे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न ठीक है, साथ ही में खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, और फिर लास्ट में जो है वो नोबेल प्राइज से जो है वो नवाजा जाए। ठीक है और मैं इसके लिए जो है, आई वॉन्ट टू थैंक मी फॉर बिलीविंग इन मी एंड फॉर ड्राइंग दिस डायग्राम, एंड मेरे सारे स्टूडेंट जो अभी देख रहे हैं उन सबको मेरे तरफ से एक एक कप चाय। ठीक है सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, तुम्हारे सपोर्ट नहीं होता तो ये नहीं हो पाता। ठीक है ठीक है थैंक यू सो मच। चलिए अभी टैक्सोनॉमिकल एड्स, अभी ये जो मैंने खोज की है मैंने कैसे की है गाइस, मुझे कुछ टूल्स लगे होंगे ना, कुछ टूल्स लगे होंगे ये सारा खोज जो है वो करने के लिए, तो जिस टूल का इस्तेमाल करके जो है हम करते हैं इनको हम कहते हैं एड्स। एड्स मतलब क्या, टूल्स जिसके मदद से हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ठीक है जिसके मदद से हम क्या करते हैं जो है सिस्टमेटिकली जो टैक्सोनॉमी जो है वो हम अरेंज कर पाते हैं। ठीक है टैक्सोनॉमी हम स्टडी कर पाते हैं। ठीक है सो यहाँ पे जो है वो, तो गाइस देखो अभी अगर मुझे मोदी जी ने ये मेरी मान्यता मंजूर नहीं की तो तुम लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दोगे। ठीक है चलो इसको हम कहते हैं एड्स, यहां पे ये एड्स अलग है, इसको हम एड्स नहीं कहते, इसको हम एड्स कहते हैं।
इसको हम एड्स नहीं कहते, इसको हम एड कहते हैं, ठीक है, एड्स। और वहां पे एड्स ये अलग है, एड और एड्स में अलग होते हैं। एड मतलब क्या, टूल्स, स्पेलिंग बहुत सेम है, वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, सो यहां पे देखो, व्हाट इज टैक्सोनॉमिक लेयर्स, दीस आर द टेक्निक्स प्रोसीजर एंड स्टोर्ड इंफॉर्मेशन दैट आर यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये टेक्निक्स होती है, प्रोसीजर होती है, इंफॉर्मेशन होती है जो यूजफुल होती है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है देखो, बॉटनिकल गार्डन्स, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क एंड की। ठीक है, बॉटनिकल गार्डन्स, ठीक है, यहाँ पे ये देखो म्यूजियम है, देखो इसमें क्रोकोडाइल, बिगडाइल सब कुछ दिख रहा है, यहाँ पे सांप भी, ठीक है, हिरन विरन जो है वो स्टफ फॉर्म में रखे गए हैं। तो ये जो सारी चीजें जो हम पढ़ने वाले, तो सबसे पहले इसमें आता है हर्बेरियम। ठीक है, दिस इज अ परफेक्ट हर्बेरियम, देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे दिस इज अ हर्बेरियम। हर्बेरियम मतलब क्या, इट्स अ स्टोर हाउस ऑफ द कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस, इसमें सिर्फ प्लांट्स होते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। ठीक है, सो शीट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम के हिसाब से जो है इसको किया जाता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि एक भैया सिंपल सा एक बोर्ड होता है, ठीक है, एक कार्डबोर्ड ले लेते हैं, वो ऐसा एक पुट्ठा ले लेते हैं। ठीक है, ये कार्डबोर्ड होता है, अभी मैं जाऊंगा बाहर, अगर मुझे कोई मिल जाता है गांजा बिंजा का पेड़, सॉरी इसका पेड़, कोई भी पेड़ मुझे मिल जाता है, तो वो पेड़ मैं लूंगा, उसको मैं सुखाऊंगा पहले, सबसे पहले जो हम बचपन में करते थे पीपल के पेड़ के साथ, उसको मैं सबसे पहले ड्राई करूंगा, ठीक है, उसको प्रेस करूंगा, प्रेस करने के बाद वो सूख जाएगा, फिर उसको मैं डिटॉक्सिफिकेट करूंगा, उसके ऊपर फंगस विंगस ना लगी हो, कीट भी ना लगी हो, ठीक है, और फिर उसको इसके ऊपर इसे चिपका दूंगा, ठीक है, चिपका दूंगा। फिर राइट हैंड कॉर्नर में उसका मैं डेट लिखूंगा, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन मैंने कहाँ पे कलेक्ट किया है, इंग्लिश और लोकल और बॉटनिकल नेम्स लिखूंगा, जैसे यहाँ पे दिया गया है, सिंपल सी बात है। फैमिली एंड कलेक्टर्स नेम, कलेक्टर्स नेम क्या होगा, डॉक्टर शुभम मोले, ठीक है, कलेक्टर शुभम मोले, तो ये ध्यान में रखना, इसको हम क्या कहते हैं, हर्बेरियम, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कुछ फेमस हर्बेरियम दिए गए हैं, सबसे बड़ा होता है रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो क्यू इंग्लैंड में है, लार्जेस्ट हर्बेरियम, ठीक है, 6.5 मिलियन स्पीसीज देती है, बाकी का छोड़ दो, हम इंडियन देखेंगे जिसके ऊपर एमसीक्यू आते हैं। सो सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम जो है वो इंडियन बॉटनिकल गार्डन में प्रेजेंट होता है, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम जो सिप्पूर कोलकाता में प्रेजेंट है, और जहाँ पे 2 मिलियन स्पीसीज के आसपास हमको देखने को मिलती है। मद्रास हर्बेरियम कोयम्बतूर में भी जो है प्रेजेंट होता है, एंड हर्बेरियम ऑफ नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, जहाँ पे 80,000 जो है स्पीसीज पाई जाती है। फिर इसके बाद आता है बॉटनिकल गार्डन, मतलब ये गार्डन होता है, सिंपल सी बात है, बस उसमें साइंटिफिक तरीके से पेड़ की जो है रचनाएं की जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे लिविंग प्लांट की जो है वो रचना यहाँ पे देखी जाती है, लिविंग प्लांट जिसमें कलेक्ट किए जाते हैं, दैट इज अ बॉटनिकल गार्डन, जिसमें डेढ़ डेढ़ प्लांट ड्राई करके प्रेस करके चिपका दिए जाते हैं, दैट इज अ हर्बेरियम। ठीक है, और ये किसके लिए होता है, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए मोस्टली यूज होता है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए मोस्टली ये यूज होता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ग्रोइंग इंपॉर्टेंट प्लांट्स ऑफ लोकल फ्लोरा, कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ, मतलब कहाँ पे आते हैं, कहाँ से आते हैं, उनका किस किस जन्म से आए हैं, ठीक है, सिस्टमेटिक वर्क उनका, लिविंग प्लांट मटेरियल कैसा है, किसके उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, सीड कैसे है, ठीक है, कौन से एरिया में आए हैं बॉटनिकल रिसर्च के लिए। ठीक है, और यहाँ पे रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज जो है भी प्रिजर्व करके रखे जाते हैं, दैट इज अ बॉटनिकल गार्डन। तो फेमस बॉटनिकल गार्डन, लार्जेस्ट गार्डन जो प्रेजेंट है वो मॉस्को में प्रेजेंट है गाइस, मेन बॉटनिकल गार्डन मॉस्को, ये ध्यान में रखना। फिर रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू में आता है, लंदन में आता है। इंडिया में इंडियन बॉटनिकल गार्डन प्रेजेंट है, ठीक है, सिप्पूर कोलकाता में, लार्जेस्ट इंडियन बॉटनिकल गार्डन और लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ एशिया। ठीक है, लगभग 273 एकर्स में जो है वो फैला हुआ है। ठीक है, इट इज फेमस फॉर इट्स ग्रेट बनियान ट्रीज एंड सकुलेंट प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद लायर्ड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग में प्रेजेंट होता है, 40 एकर्स के एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, एंड देन नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ में, ठीक है, सिकंदरबाग में जो है हमको देखने को मिलता है। उसके बाद म्यूजियम्स, म्यूजियम में क्या आता है, ठीक है, राजीव गांधी म्यूजियम जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है हमको, बहुत सारे हैदराबाद में सादरजंग म्यूजियम बहुत फेमस है इंडिया में। ठीक है, सो इट इज कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स, डेड एनिमल्स एंड डेड प्लांट को प्रिजर्व करके रखा जाता है फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। तो लंदन में बहुत बड़ा जो है हमको देखने को मिलता है, इंडियन म्यूजियम कोलकाता जो है इंडिया का सबसे बड़ा है। इसके बाद नेशनल म्यूजियम, नेशनल हिस्ट्री दिल्ली में भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सारे जो है म्यूजियम आते हैं। ठीक है, और ये सॉल्यूशंस में प्रिजर्व किए जाते हैं, मोस्टली फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशंस में या अलग अलग एंटी फंगल या एंटी बैक्टीरियल सॉल्यूशंस में दिए जाते हैं। ड्राइड स्पेसिफिक्स भी यहाँ पे मिलती है आपको, इंसेक्ट भी इंसेक्ट बॉक्सेस में प्रिजर्व किए हुए मिलते हैं आपको। स्टफ लार्जर एनिमल्स, देखो यहाँ पे लार्जर एनिमल्स स्टफ किए हुए हैं,
एनिमल स्केलेटन, डायनासोर के स्केलेटन भी जो है हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर जूलॉजिकल पार्क्स, जूलॉजिकल पार्क्स, अभी गाइस तुमको अभी सिंपल सा इसका क्लासिफिकेशन बताओगे 2 मिनट में, देखो अभी, ठीक है, अभी देखो। एक मिनट, ठीक है, अभी ये जो टैक्सोनॉमिकल एड्स है ये 2 कैटेगरी में जो है वो ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है, 2 कैटेगरी में, एक होता है लिविंग और दूसरा है नॉन लिविंग, ठीक है। सो नॉन लिविंग में देखो क्या क्या आएगा, सबसे पहला यहां पे आएगा हर्बेरियम, ठीक है, उसके बाद यहां पे म्यूजियम, उसके बाद यहां पे क्या आ जाएगा बोल, लिविंग में ले लेते पहले, इसमें आ जाएगा बॉटनिकल गार्डन, ठीक है, एंड जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। बस अभी इसमें क्या करना है आपने को, हर्बेरियम, म्यूजियम, ठीक है, हो गया, और बोलो, ठीक है। सो यहां पे देखो अभी सिंपल सी बात है, यहां पे बॉटनिकल गार्डन में अभी यही हमको बताया गया कि भैया बॉटनिकल गार्डन में आते हैं प्लांट्स, हर्बेरियम, डेड एनिमल प्लांट्स, ठीक है, जूलॉजिकल पार्क्स, एनिमल्स, ठीक है, एंड यहां पे आप देखोगे म्यूजियम में, म्यूजियम ऐसा है कि जिसमें प्लांट्स प्लस एनिमल्स आ जाएंगे, या यहां पे नॉन लिविंग की जगह मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं, यहां पे डेड कर देता हूं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन जो है वो नहीं आएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एनिमल, यहां पे जूलॉजिकल पार्क जो है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैंने पूछा था कल ही, कि इट हेल्प्स टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर, ठीक है, इट हेल्प्स टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर के बारे में जो है मोस्टली जूलॉजिकल पार्क जो है यूज होते हैं, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि व्हाई जूलॉजिकल पार्क्स आर इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद आता है टैक्सोनॉमिकल एड्स, जिसमें आ जाएगी कीज, ठीक है, डिफरेंट कीज जो है हमको देखने को मिलती है। सो टैक्सोनॉमिकल एड्स वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स नोन एज कपलेट। अभी देखो, अभी इसका एक एग्जांपल मैं तुमको बताता हूँ, सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी जैसा कि अभी मैं हूं, अभी मैं खुद को एक क्वेश्चन पूछता हूं, तुम ह्यूमन हो या जानवर, ये मैं खुद को पूछता हूं या तुमको पूछता हूं, ठीक है। तुमको यहां पे मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है। सो टैक्सोनॉमी की क्या होती है कि यहां पे हम क्वेश्चन का सेट होता है, यहां पे जो है क्लासिफिकेशन का सेट होता है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिए जाते हैं पेयर के फॉर्म में, ठीक है। ये जो 2 पेयर के फॉर्म में कॉन्ट्रास्टिंग पेयर दिए गए हैं, दैट इज अ कपलेट, इसको क्या कहते हैं हम, कपलेट, ठीक है, ठीक है। तो अभी यहां पे ये पेयर दी गई, या मैं लिविंग हूं या नॉन लिविंग हूं, फ्लावरिंग प्लांट हूं या नॉन फ्लावरिंग प्लांट हूं, ठीक है। तो ये सारे कपल के फॉर्म में होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कीज, कीज में 2 फॉर्म होते हैं, दैट इज कपलेट, ठीक है। और कपलेट यहां पे अलग अलग 2 स्टेटमेंट होते हैं, तो यहां पे ये भी इसका क्या हो गया, ये एक, ये ह्यूमन जो है यहां पे, ये भी इसका एक लीड है, और जानवर ये भी इसका एक लीड है। तो ईच सेंटेंस इन अ की, या ईच सेंटेंस इन अ कपलेट इज कॉल्ड एज की, ठीक है, इट कॉल्ड एज लीड, ठीक है। तो हर एक कैटेगरी के लिए जो है हमें सेपरेट जो है लीड लगती है, ठीक है, एंड इट इज यूज टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म, समझ गए। सो की इसका बेसिक सा अभी क्लासिफिकेशन क्या है भैया, की होती है, की मतलब क्वेश्चन का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसमें जो है वो 2 सेट होते हैं, उस 2 सेट्स को हम क्या कहते हैं, वी कॉल्ड इट एज अ कपलेट, ठीक है। और कपलेट में एक ईच सेंटेंस भी होता है, एक एक सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, ईच सेंटेंस को हम लीड कहते हैं, बस क्लियर, यहां पे अपना की हो जाता है क्लियर, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो, ये सारे एमसीक्यू पॉइंट है, ठीक है। टैक्सोनॉमिक एड्स कंटेन्स एक्चुअल अमाउंट, देखो जब भी यहां पे एक्चुअल वर्ड आएगा ना गाइस, ठीक है, यहां पे जब भी एक्चुअल वर्ड आएगा, एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स,
इन अ गिवन एरिया, ठीक है, एक बुक में जो है वो एक्चुअल एक एरिया में या हैबिटेट में कितने प्लांट्स है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्यों की दिया होता है वो आता है, सो उसको हम कहते हैं फ्लोरा। जब भी एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा उसका आंसर होगा फ्लोरा, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे द टैक्सोनॉमिकल एड विच इज यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया, गिवन एरिया, ठीक है, इंफॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ द स्पीसीज, इंफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन किसके लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए नेम ऑफ द स्पीसीज, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ स्पीसीज जहां भी वर्ड आएगा उसका आंसर होगा मैन्यूअल्स, ठीक है। और उसके बाद मोनोग्राफ, एनी वन टैक्सोन का, एनी वन कैटेगरी का, मतलब किंगडम एनिमल तो एनिमल के बारे में, एंजियोस्पर्म यहाँ पे बुक लिखा है तो एंजियोस्पर्म के बारे में, एनी वन टैक्सोन की जिसमें इंफॉर्मेशन होगी दैट विल बी द मोनोग्राफ, ठीक है, दैट विल बी द मोनोग्राफ। तो ये ध्यान में रखना, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। So, यहाँ पे एनसीईआरटी कॉर्नर बचता है तो कर दूं हाईलाइट करके दूं जल्दी जल्दी, या जरूरत नहीं है हाईलाइट करके देने की, तुम कर लोगे, अंडरलाइन करके दूं या बस हो गया, तुम कर लोगे, बोलो। लाइक शेयर, तो लाइक बहुत कम लोगों ने किया बट ठीक है, चल बताओ बताओ क्या करना है। 10 मिनट और लगेंगे, 10 10 मिनट लगेंगे पूरा जो अभी जो पढ़ा है हमने उसका करने के लिए। चलो बताओ, ट्वेंटी ट्वेंटी वन वाले मत बोलो, कर लेंगे, 2022 वाले से पूछ रहा हूं मैं, कर लेंगे। ओके एक ठीक है, ओके ठीक है, चलिए ठीक है फिर कर लो फिर, ठीक है, मैं ये करता नहीं हूँ, ये इजी है, ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है या फिर मैं इसको हाईलाइट करके जो है मेरे को जैसा टाइम मिलता है वैसा हाईलाइट करके जो है मैं आपको नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड कर लूंगा, ठीक है। चलिए तो ध्यान में रखना है, इसके ऊपर एमसीक्यू आता है। चलिए सो वी विल स्टॉप हियर, यहाँ पे चैप्टर समझा, मजा आया, पूरा समझा चैप्टर, सो डोंट फॉरगेट टू गाइस, ठीक है, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, टू द बायो कट्टा एंड फिर मिलते हैं कल, ओके। अभी मैं इसका डीपीपी दे दूंगा, डीपीपी का भी एक पूछना था तुमसे कि तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन लू कल या फिर आज डीपीपी दे दो तुम सॉल्व करके फिर क्वेश्चन लेंगे, तो बोलो क्या करना है, पहले डायरेक्ट क्वेश्चन लू फिर बता दू। ओके डीपीपी देना है, ओके चलो ठीक है, सो ई कट्टा को सब्सक्राइब कर लेना, नया एपिसोड आ रहा है उसमें, ठीक है, चलिए चलो बाय गाइस, लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, चलो बाय गाइस, मिलते हैं कल, कल अपन इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे।